हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चक्रे सहरवा, मैं आपका दोस्त अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं आपका। और जैसे कि आप जानते हैं, ये हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सीरीज चल रहा है और इसमें हम आज कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे, जैसे कि रिजिड बॉडी। सबसे पहला टर्म्स है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी के पहले में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ऐसी बॉडी जिस पे हम कोई बाहरी फोर्स लगाएं, कितना भी फोर्स लगाएं, जो कि क्या ना हो, डिफॉर्म ना हो, ठीक है। सच टाइप्स ऑफ बॉडी दोज आर नॉट डिफॉर्म अप्लाइड ड्यू टू अप्लाइड एनी एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज कॉल्ड रिजिड बॉडी, ठीक है। तो देखिए, अपन डिफाइन कर देते हैं इसको। इट मे बी डिफाइन एज दी इट मे बी डिफाइन एज दी व्हेन बॉडी नॉट डिफॉर्म्ड ड्यू टू अप्लाइड एनी एक्सटर्नल फोर्स दैट इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं पार्टिकल, ठीक है। पार्टिकल क्या होता है? पार्टिकल एक ऐसा नेग्लिजिबल पॉइंट होता है, नेग्लिजिबल वेट होता है, जो मास को कॉन्सेंट्रेटेड करे किस सेंटर की तरफ, किसी एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करे, ठीक है। मतलब ऐसा वेट, ऐसा ऑब्जेक्ट है, कैसा, ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी एक पॉइंट पर होल मास को कॉन्सेंट्रेट करे, ठीक है। तो इट इज डिफाइंड एज एन ऑब्जेक्ट हैविंग कॉन्सेंट्रेटेड मास एट अ पॉइंट। अंडरस्टैंड। तो देखिए, अ रिजिड बॉडी इज एज्यूम्ड एज अ नेग्लिज एज अ पार्टिकल अ रिजिड बॉडी बॉडी इज एज्यूम्ड एज अ पार्टिकल व्हेन इट्स साइज इज नेग्लिजिबल इट्स साइज इज नेग्लिजिबल। तो पार्टिकल को जनरली हम एक नेग्लेक्टेड छोटा सा पॉइंट मानते हैं, जिसका साइज एकदम नेग्लेक्टेड होता है, नेग्लिजिबल ही होता है, एक जनरली पॉइंट होता है, मतलब जस्ट पॉइंट होता है, ठीक है। क्या होता है? एक जस्ट स्मॉल पॉइंट होता है। अंडरस्टैंड। तो ठीक है, ये अपन ने पार्टिकल्स डिस्क्राइब कर लिया है सिंपली। दोस्तों, समझ में आ गया हो मेरे को लगता है, क्योंकि ये कुछ भी नहीं है, इट इज डिफाइंड एज एन